हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अदा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर की शॉर्ट समरी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं आप। तो गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी ने हमारे ही देश की एक घटना को हमारे सामने प्रेजेंट किया है और बताया है कि कैसे हम लोग अंग्रेजों के अधीन रहे थे कुछ टाइम तक। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने हस्बैंड के साथ इंडिया पधारने वाली थी। देश की सारे न्यूज़पेपर इस शाही दौरे से भरे पड़े थे। सारे न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज थी कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ इंडिया आने वाली हैं। और इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कौन सी गलती कब होनी है या फिर कैसे। एक एक पल की जानकारी लोग लेना चाह रहे थे। और रानी का जो टेलर था वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाने वाली थी। अब उसे ये टेंशन सता रही थी कि भाई हिंदुस्तान जाकर क्या पहनेंगी, पाकिस्तान जाकर क्या पहनेंगी और नेपाल जाकर क्या पहनेंगी। अब क्योंकि वो रानी थी तो ड्रेस तो भाई अनोखी होनी ही थी। अब इसके बाद उनका जो सेक्रेटरी था और जो जासूस, वो सारे लोग पहले ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे करने वाले थे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है और सारी अरेंजमेंट कर दें वो पहले से ही। फोटोग्राफर की एक फौज तैयार हो गई थी। आजकल न्यूज़पेपर में रानी की जन्मपत्री, मतलब रानी की पूरी डिटेल और प्रिंस फिलिप के कारनामों के सिवा न्यूज़पेपर में कुछ देखने को ही नहीं मिलता था। बस उन्हीं के बारे में सब कुछ छपा होता था। आप लोगों को पता है कि रानी और प्रिंस के साथ साथ उनके जो नौकर थे, बाबरची थे, खानसामे थे और जो उनके बॉडीगार्ड थे, यहाँ तक कि उनके डॉग जो थे उनकी फोटोज तक आ रही थी न्यूज़पेपर में और उनके बारे में भी बताया जा रहा था। मतलब इतना ऊंचा टॉपिक बन चुका था ये। और पूरी दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहां हमेशा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें आज साफ हो चुकी थी और जितनी भी बिल्डिंग्स थी, पुरानी इमारतें थी, उनको पेंट करा दिया गया था और जो नई थी उन्हें साफ कराया गया था, उन पर डेकोरेशन करा दिया गया था, लाइटिंग करा दी गई थी, सारे रोड्स जो टूटे हुए थे उन्हें बनवा दिया गया था, जो रोड्स थे उन्हें क्लीन कराया गया था, पेड़ पौधों के पत्तों को हटवा दिया गया था। मतलब एकदम न्यू चमचमाता हुआ दिल्ली बन चुका था। अब इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी थी और उस मूर्ति पर नाक नहीं थी, मतलब उसकी नाक चोरी हो गई थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन किए गए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव जारी कर दिए थे, अखबारों के पन्ने जो थे वो इस खबर से भर चुके थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या फिर हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद जो बॉडीगार्ड हैं उनको तैनात किया गया था, पहरेदार कह सकते हैं आप। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक से गायब हो गई थी। मतलब नाक हटाने और ना हटाने के लिए बहस तो चल ही रही थी, पता नहीं उस बीच कैसे नाक गायब हो गई थी, नाक के पते ही नहीं थे। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी तो होनी ही थी, क्योंकि भाई वो वहीं से बिलोंग करते थे जहां से रानी आ रही थी और उनके ही यहाँ के एक व्यक्ति का अगर सम्मान ना किया जाए तो रानी को तो बुरा लगना ही था। देश की भलाई चाहने वालों को एक मीटिंग बुलानी पड़ गई। अब सबने मीटिंग की और इस बात पर सहमत हुए कि भाई मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए, यदि नाक ना लगाई गई तो देश की नाक कट जाएगी, क्योंकि भाई इंडिया ऐसा देश है, लोगों का सम्मान नहीं करता, ये वो सारी बातें उछलेंगी। काफी हाई लेवल पर डिस्कशन होने के बाद तय किया गया कि मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। अब मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने मूर्ति को देखा तो उसने कहा, नाक तो लग जाएगी बट उसे पता होना चाहिए कि ये मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, कैसे बनाई गई थी और इसके लिए कौन सा पत्थर यूज किया गया था। अब पुरातत्व विभाग की सारी फाइलें खोज डाली गई
कि उस मूर्ति की कोई तो डिटेल मिले। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी स्टैचू लगते हैं उन सबकी एक डिटेल रखी जाती है पुरातत्व विभाग में, बट फाइल तो मिल ही नहीं रही थी। तो मूर्तिकार ने अपना सुझाव दिया कि वो देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढकर लाएगा जैसा कि मूर्ति में लगा हुआ है। अब टाइम था कम, क्योंकि रानी तो आने वाली थी। ये बात देश में फैल चुकी थी कि रानी आने वाली हैं, तो मूर्तिकार जो था वो हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की जितनी भी खाने थी उनको ढूंढता घूम रहा था। और ये सारा खर्चा किसने उठाया? हमारी सरकार ने उठाया। तो वो गया और उसने सारे पत्थर, सारे पहाड़, सारे पहाड़ी इलाके ढूंढ लिए, बट वो पत्थर कहीं नहीं मिला जिससे उस विदेशी इंसान की मूर्ति बनी थी। तो ये पत्थर विदेशी था एक्चुअली, मतलब जिससे जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी थी वो पत्थर क्या था? विदेशी था। अब जो मूर्तिकार था उसने एक नई ही सलाह पेश कर दी कि देश में नेताओं की बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, यदि उनमें से किसी एक नाक, मतलब किसी भी एक स्टैचू की नाक हटाकर इस स्टैचू पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगी। अब उस मीटिंग में जितने भी लोग थे उन सब से सभापति ने एक राय मांगी, एक सहमति मांगी कि भाई अगर आप लोग ऐसा करने को एग्री हैं तो ये काम करवाया जाए। जॉर्ज पंचम की नाक की माप उसके पास थी ही। अब दिल्ली से बंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल, इन सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय और भगत सिंह की सारी लाटों को देखा, मतलब सारे स्टैचू को देखा परखा, पूरे हिंदुस्तान की विजिट कर ली। बट उसे जॉर्ज पंचम की नाक की जो नाप थी ना, यानी एग्जैक्ट नाक जो चाहिए थी वो कहीं नहीं मिली, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी थी। अब इतनी जद्दोजहद और मुसीबतें झेलने के बाद फिर से एक मीटिंग बुलाई गई। अब फिर से मूर्तिकार ने अपनी एक नई योजना पेश कर दी भाई, कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी ना किसी जिंदा नाक को काट कर मूर्ति पर लगा दो। पहले तो आप ये बताइए कि गांधी जी या फिर सुभाष चंद्र बोस जितने भी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी नाकों को काट कर एक घटिया इंसान के फेस पर लगाना क्या सही बात थी? उस पर भी ये लोग राजी हो गए। जब वो भी नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि भाई आप क्या कर सकते हैं, एक जिंदा आदमी की नाक काट कर वहां पर लगा दीजिए। अब ये सुनकर जो सभा हो रही थी, जो मीटिंग हो रही थी, वो सभापति परेशान हो गए और मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। क्या कर सकते थे भाई, क्योंकि नाक मिल नहीं रही थी तो उन्होंने कहा चलो, क्योंकि उनकी खुद की नाक तो कटनी नहीं थी, लोगों की कटती, तो उन्होंने कहा जाओ जाकर लगा लो, मिल जाए तो। अब अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू है उस पर नाक लग गई है। और कुछ नहीं बताया गया कि कैसे लगी है, क्यों लगी है, किसकी ली गई है मतलब नाक, और ये सारी चीजों को ना बताते हुए केवल एक ही चीज पेश की गई कि जॉर्ज पंचम की लाज पर नाक लग चुकी है। नाक लगने से पहले जो हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई, ठीक है, कि भाई फिर से नाक चोरी ना हो जाए, मूर्ति के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी सफाई कराने के बाद उसमें अच्छा और ताजा पानी डाला गया ताकि जो फ्रेश नाक लगाई जा रही है वो जल्दी सूख ना जाए, क्योंकि उस टाइम पर फ्रिज और ये सारी चीजें तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि एक दिन के लिए दिखाना है तो जैसे ही वो आएंगे उससे पहले नाक लगा देंगे और नीचे तालाब में पानी भर देंगे ताकि नाक सूख ना पाए और ओरिजिनल ही लगे, ठीक है। तो यही किया गया। थोड़े दिन बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई, मतलब लोगों को भनक हो गई और न्यूज़पेपर में छप भी गया कि लोगों ने जॉर्ज पंचम की जिंदा इंसान की नाक काट कर लगाई गई थी जो बिल्कुल पत्थर की नहीं थी और जो देखने में भी पत्थर की नहीं लग रही थी।
अब उस दिन सारे न्यूज़पेपर में किसी उद्घाटन की, किसी सार्वजनिक सभा की कोई खबर नहीं छपी थी, किसी की ताजा चित्र नहीं छपा था, मतलब कोई भी न्यू फोटो नहीं छपा था। सभी अखबार खाली थे। क्या लिखा था? केवल और केवल यही बात छपी थी कि जॉर्ज पंचम की नाक एक जिंदा इंसान की लगाई गई है। तो आप बताइए कि किसी बाहर के व्यक्ति को इतना सम्मान देना कि अपने देश के सम्मानित व्यक्तियों की नाक काटकर आप उन्हें लगा दी जाए, सही था क्या? हमारी सोच उस टाइम भी गुलामी वाली नहीं थी? उस टाइम भी क्या थे हम? दिमाग से गुलाम थे, शरीर से आज़ाद थे और दिमाग से गुलाम थे, वरना हमारे नेता ये हरकत कभी नहीं करते। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मेरे ख्याल से ये घटिया चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।